जय श्री राम मित्रों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसा वृक्ष के बारे में बताऊंगा। इस वृक्ष को छूने मात्र से सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। इसके दर्शन मात्र से किस्मत चमक जाता है। इसके दर्शन भाग्यशाली व्यक्ति ही कर पाते हैं। यह वृक्ष अपने आप में बहुत बड़ा पवित्र और शोक नाशनी दुख मिटाने वाला वृक्ष है, और इसलिए इसका नाम भी अशोक वृक्ष है, सीता अशोक वृक्ष है। आजकल जो आप जो है गार्डन में अशोक वृक्ष देखते हैं, या घरों के मुख्य द्वार पर जो सजावट के लिए लगाए जाते हैं जो अशोक वृक्ष देखते हैं, वास्तव में वह ओरिजिनल अशोक वृक्ष नहीं है। जी हाँ, नाम तो उसका अशोक वृक्ष है, अशोक है, लेकिन किसी की शोक नहीं हर पाते। स्वयं जिस जगह पे लगा होता है उस जगह को शोक से भर देता है। इस वीडियो को पूरी तरीका से जरूर देखना, और हाँ, इस वीडियो को देखे बिना अपने घर में अशोक वृक्ष मत लगाना, अन्यथा आपके घर भी दुख तकलीफ शोकों से भर जाएंगे। यह वृक्ष जो आप हमारे वीडियो में देख रहे हैं, ये ओरिजिनल सीता अशोक वृक्ष है, और यही वृक्ष के नीचे में माँ सीता बैठ करके जो है भगवान श्री राम का जो है इंतजार किया था। और ये जो है अशोक वाटिका में रावण जो है लंका में माँ सीता को इसी वृक्ष के नीचे में रखा था। इस वृक्ष के नीचे में माँ सीता काफी लंबे समय व्यतीत किए हैं। तो जो सीता अशोक वृक्ष है, इसके मैं फायदे बताना चाहूंगा इस वीडियो में। जो सीता अशोक वृक्ष है, इसमें जो है फूल लगते हैं, फल आते हैं, लेकिन जो अशोक वृक्ष होते हैं जो कि हम गार्डन में लगाते हैं, इसमें फूल नहीं आते। ये वास्तव में अशोक वृक्ष नहीं है, ये दुख तकलीफ को नहीं हर पाते, लेकिन हमारे जो वीडियो में देख रहे हैं ये सीता अशोक वृक्ष, ये दुख तकलीफ हरते हैं। वास्तव में अगर इसका नाम देखा जाए तो सीता अशोक वृक्ष नहीं है, इसका नाम है सीत अशोक वृक्ष, लेकिन संधि विच्छेद न करने पर इसका पूर्ण नाम आता है सीता अशोक वृक्ष। सीत का मतलब होता है ठंडा प्रकृति। माँ सीता ने इसके नीचे में बैठ करके काफी समय व्यतीत किया था। रावण चाहते थे कि माँ सीता को जो है गर्मी है, लू है, जो दुख तकलीफ न व्यापे, इसलिए इस वृक्ष के नीचे में स्थान दिया। तो आइए मैं आप लोगों को इसका कुछ चमत्कारिक फायदे बताऊंगा। इस वृक्ष को अपने घर में आपको क्यों लगाना चाहिए, इसके लगाने से आपको क्या फायदा होते। पहला फायदा, इस वृक्ष को छूने मात्र से आपके कैसा भी बड़ा दुख हो, तकलीफ हो, शरीर में किसी भी प्रकार के दर्द हो, वह दर्द समाप्त हो जाते हैं। जो ये सीता अशोक वृक्ष है, इसके छूने मात्र से हमारे जो पाप होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं, हमारे शरीर हल्का लगने लगता है, किसी भी प्रकार के ग्रह नक्षत्र की बाधा हो वह दूर हो जाते हैं। इसके पत्ते घर के मुख्य द्वार पर अगर माला बना करके बांधा जाए तो घर में दुख तकलीफ ये प्रवेश नहीं करने देता, वह घर हमेशा लक्ष्मी से भरा रहता है, अनधन से भरा रहता है, कुल लक्ष्मी इसके होने के बाद घर में आपके प्रवेश नहीं कर पाते। इसके फूल माँ सीता को या फिर माँ लक्ष्मी को चढ़ाने से बड़ी इच्छा चुटकियों में पूर्ण होते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, फिर रोजी रोटी में तरक्की करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति जो मनचाहा नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को इसके जड़ के माला बना करके 11 दिन तक पानी में आपको डालना है, बिल्कुल ही आपको नौकरी प्राप्त होगा। एक उपाय और बता रहा हूँ धन प्राप्ति करने के लिए, जो इसके बीज होता है, जी हाँ, इसके 5 बीज को लाल कपड़े में बांध करके व्यापारी स्थान में रखने से तेजी से धन की प्राप्ति होती है, या फिर धन पेटी में या तिजोरी में रखने से तेजी से धन आता है, या फिर इसके जो बीज होता है इसे ताबीज में भर करके पहन सकते हैं, इससे भी हमारा अध्यात्म उन्नति होता है। सीता अशोक वृक्ष अपने घर में अवश्य लगाए मित्रों, जहाँ पे लगा होता है उस जगह को मंगलकारी कर देता है, उस जगह पे हमेशा मंगली कार्य होते हैं, उस जगह को यह पवित्र कर देता है, उस स्थान पे स्वयं लक्ष्मी आकर के विराजमान होती है, लक्ष्मी प्रवेश करती है। आशा करता हूँ कि छोटे से जानकारी आपके जीवन में कल्याणकारी साबित जरूर होंगे। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार, जय श्री राम।